नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। एनसीईआरटी सार संग्रह का जो क्लास चल रहा है दोस्तों, तो बहुत संख्या में आप लोगों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा क्लियर लिखा करें, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो आज आप लोग के लिए एक नई टेक्निक से मैं क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह का होगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वीडियो में बने रहे, मैं लास्ट में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा क्वेश्चन, उसी को मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि पीडीएफ मिलने से आपका जो नोट्स बनाने का समस्या था, जो झंझट था, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो आधे स्क्रीन में इधर आपको क्वेश्चंस दिखेगा और आधे स्क्रीन में आपको यहाँ पर मैं दिखूंगा, जो क्वेश्चन को डिटेल में कराते नजर आऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आपको पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह से ही हम करा रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी सार संग्रह में आज का जो चैप्टर है वह जैन धर्म से है। जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में, सबको मैं कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। तो पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको पता है कि ऋषभदेव, जी हाँ, कौन थे, ऋषभदेव। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो बताएंगे ऋषभदेव, और ये नहीं कि महावीर बताइएगा। महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे, तो इसके संस्थापक जो थे वह ऋषभदेव थे या आदिनाथ। जी हाँ, आदित्यनाथ नहीं, आदिनाथ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो, अभी हमने चर्चा किया कि ये महावीर जो थे वह तीर्थंकर थे, कैवें थे, 24वें थे। तो यह तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, पूछा हुआ प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे। तो तीर्थंकर शब्द जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में दे सकता है आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। तो आप बताएंगे तीर्थंकर शब्द जो है वह क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24। पहला जो तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव, और जो आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे वह थे भगवान महावीर, है ना। चलते हैं आगे, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है। तो अनेकांतवाद और स्यायवाद दोनों जो है यह जैन धर्म से संबंधित है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्यायवाद तो बहुत बार पूछा गया है कि स्यायवाद का संबंध किससे है, तो बताएंगे जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली आस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि निर्जरा क्या है या निर्जरा किससे संबंधित है, ऐसे करके पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली आस्था को निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा का संबंध अगर पूछे तो बताएंगे कि निर्जरा का संबंध जैन धर्म से है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, जैन धर्म में संबर का अभिप्राय है, जैन धर्म में संबर का अभिप्राय है। तो जैन धर्म में संबर पर, संबर का क्या अभिप्राय है, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जी हाँ, जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यही संबर है। और ये देखिए, गंग वंश से एक प्रश्न आता है कि गंग वंश के जो राजा थे उसके मंत्री चामुंड, उसके प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला में एक बाहुबली की मूर्ति बनवाई गई थी। तो पूछता है कि श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति जो है वह किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो बताएंगे कि ये क्या नाम था इसका, चामुंड राय, है ना। ये गोमतेश्वर मूर्ति थी, गोमतेश्वर। त्रिरत्न सिद्धांत, है ना, त्रिरत्न सिद्धांत पूछता है कि संबंधित है किससे, तो बताएंगे देखिए त्रिरत्न आपका दोनों में है, जैन में भी है, बौद्ध में भी है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, तीन है। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, यानी बौद्ध धर्म संघ, ये तीनों अलग है, वो हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, क्वेश्चन नंबर 7, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वह मक्खली पुत्र गोशाल। जी हाँ, मक्खली गोशाल या मक्खली पुत्र गोशाल, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं, कमेंट करिएगा कि ये वाला तरीका सही है कि जो पुराना तरीका से पढ़ा रहे थे लिख लिख के, वो सही है। मुझे, मेरे हिसाब से तो ये वाला तरीका ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो आप बार बार परेशान होते थे स्क्रीनशॉट लेने और लिखने में, वो वाला समस्या दूर। पीडीएफ मिलने से क्या होता है कि आप कहीं भी हैं, सफर में भी हैं,
तो आप 2 से 3 मिनट में फटाफट अंदाज में, और बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता है तो फटाफट अंदाज में आप उसको रीड कर लेते हैं, है ना। तो पीडीएफ मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बढ़िया, बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अणुव्रत सिद्धांत संबंधित है, तो आपको पता है आज केवल जैन धर्म का क्लास है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जैन धर्म से ही हैं। तो अणुव्रत जो सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आपको लगेगा कि सब याद है, लेकिन एग्जाम में जब पूछ देगा कि अणुव्रत का संबंध है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप जैन धर्म था कि बौद्ध धर्म था, तो ध्यान दीजिएगा जैन धर्म है ना। अगला, यपनीय किसका सिद्धांत है, तो यपनीय या अणुव्रत दोनों जैन धर्म का सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में है, तो यह अर्धमागधी है। कौन सी भाषा है, अर्धमागधी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सम्मेद शिखर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंध है, यह किससे संबंध है, हाँ पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थान जैन सिद्ध क्षेत्र, तो बताएंगे आप कि सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, अच्छा जैन जो धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो कह रहा है कि जो श्वेतांबर थे उसके जो थे कौन बने, मतलब अध्यक्ष, यही पूछ लीजिए, संस्थापक जो कह लीजिए। तो देखिए यहां पर याद रखना है आपको, श्वेतांबर पूछे तो स्थूल भद्र बताइएगा, श्वेतांबर पूछे तो क्या बताइएगा, स्थूल भद्र, और दिगंबर पूछे तो भद्रबाहु, है ना। तो श्वेतांबर स से शुरू होता है, स्थूल भद्र भी स से शुरू होता है, रिलेट करके आपको याद रख लेना है। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, इसी में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र। अभी आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। देखिए जैन संगीतियां या सम्मेलन, ठीक ना, दो क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन संगीति यह कब हुई थी, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, है ना। अच्छा एक चीज और, फुल स्क्रीन में देखिएगा तो ज्यादा, क्योंकि बड़ा दिखाई देगा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, है ना। तो फुल स्क्रीन में ही देखिएगा, वीडियो को फुल स्क्रीन में ही देखिएगा, क्वालिटी एकदम बिल्कुल HD क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा, है ना, तो आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन में। चलिए, प्रथम जैन संगीति जो है वह 300 ईस्वी पूर्व कहाँ में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र आपको पता ही है कि बिहार में है, है ना। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र नामक व्यक्ति ने किया है, किसने किया था, स्थूलभद्र, यही स्थूलभद्र जिसने श्वेतांबर का संस्थापक, श्वेतांबर का जिसको कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। द्वितीय जैन संगीति जो है वह 512 ईस्वी बल्लवी गुजरात, यहां पर पल्लवी लिखा है लेकिन ध्यान दीजिएगा बल्लवी है, बल्लवी गुजरात, ध्यान से समझना है। अध्यक्ष जो है वह क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में ये हुई है। अगला, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन है, अंतिम तीर्थंकर हम आपको बताए हैं कि महावीर जो है वह 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ है। जी हाँ, 540 ईस्वी पूर्व अंतिम जैन तीर्थंकर कौन है, महावीर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में ही और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखना अनिवार्य है, एग्जाम में पूछता है। इनका जन्म हुआ है वैशाली के कुंडग्राम में, है ना, या बिहार में ही है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग को होता होगा कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था और महावीर के पिता का नाम क्या था, तो बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था, वही महावीर के पिता का भी नाम सिद्धार्थ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बुद्ध जो है उनका खुद का नाम सिद्धार्थ है और महावीर के पिता का भी नाम सिद्धार्थ है, तो ध्यान देना है। माता जो है वह त्रिशला है, लिच्छवी शासक चेतक की बहन है, और बचपन का नाम महावीर का जो है वह वर्धमान है, पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है। उपाधि की बात की जाए तो इन्होंने उपाधि ली है, मुख्य उपाधि जो है वह कैवल्य की उपाधि ली है, जिन या विजेता की उपाधि ली है, निर्ग्रंथ या बंधन रहित, मतलब निर्ग्रंथ का मतलब ही होता है बंधन रहित, उसकी उपाधि ली है, अरहत की उपाधि ली है जिसका मतलब होता है पूज्य, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निर्वाण प्राप्ति पावापुरी हुई है, निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई है, पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व शिष्यपाल के यहाँ, किसके यहाँ, जो राजा था वहां का शिष्यपाल था। तो ये देखिए 17 नंबर दे दिया गया है, लेकिन ये 16वें क्वेश्चन का ही अगला पॉइंट है, चलिए कोई बात नहीं। अगला, श्यायवाद का संबंध, अभी हमने चर्चा किया था कि अनिकांतवाद और श्यायवाद दोनों है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो
बताएंगे स्यायवाद का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा बौद्ध और जैन स्थल जो है वह दोनों है प्रसिद्ध है। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का स्थल है और प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और एक प्रश्न और बनता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो आपको मैं बताया हूं कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वह कल्प सूत्र से मिलता है। प्रारंभिक इतिहास कैसे याद करेंगे? क से ही प्रारंभ करते हैं हम लोग, कहरा पढ़ते हैं तो क से ही प्रारंभ करते हैं, तो क से कल्प सूत्र और क से आप याद रखेंगे कि प्रारंभ होता है, यानी कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से। और 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है यह जैन धर्म के भगवती सूत्र से। वहीं अगर बौद्ध धर्म से पूछता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो बताएंगे अंगूतर निकाय से। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां हम लोग याद रखेंगे कि भगवती सूत्र से जैन धर्म के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, चलिए, बराबर की गुफाएं, बराबर जो कि बिहार के गया जहानाबाद में स्थित है ना, तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए कराया गया था? तो इसको आजीविकों के रहने के लिए कराया गया था। ध्यान दीजिएगा, आजीविकों के रहने की, यहाँ चार गुफाएं प्रसिद्ध है, हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रत में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? भाई तो पांचवें महाव्रत के रूप में उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। 23, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्प सूत्र के रचयिता जो है वह भद्रबाहु हैं। ध्यान दीजिएगा, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख कहां से मिलता है? तो जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख हाथी गुंफा अभिलेख से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? अभी हमने बताया था कि स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए। तो ध्यान दीजिएगा, स से स्थूल भद्र और स से श्वेतांबर, भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए। तो इतने ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी सार में, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपने अच्छे से समझा होगा। और अब बात कर लेते हैं कि इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन सुबह के 10 बजे, है ना, 10 बजे 11 बजे जो भी है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये क्लास मिलने के, जैसे ये क्लास मिलेगा उसके आधे घंटे बाद आपको पीडीएफ वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, अगर टेलीग्राम को सर्च करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के पाठशाला विद के सर्च करिएगा और आप आनंद ले सकते हैं। जल्द ही आपको क्विज भी वहां मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूं कि कैसा लगा, है ना, ये तरीका क्या सही है या फिर पुराने घिसा पीटा तरीका से ही क्लास कराऊं, है ना। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।